नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों का डेली डोज अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से लक्ष्मीपुर में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सांसद भागलपुर के सांसद अजय मंडल का जोरदार स्वागत किया। लक्ष्मीपुर में किस तरीके से भीड़ अजय मंडल को सुन रही थी, अजय मंडल से लगातार गुजारिश कर रही थी, उनके जो काम थे उनके बारे में भीड़ उनको सूचित कर रही थी। अजय मंडल ने कहा कि जीतने के बाद वो यहां पर वोट मांगने तो नहीं आए थे, आप आए थे, लेकिन जीतने के बाद वो यहां पर आए हैं, उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आइए पहले सुनते हैं अजय मंडल ने क्या कहा। लेकिन उम्मीद से ज्यादा मुझे यहां से आशीर्वाद मिला, तो मैं विवेका बाबू से कहा, विवेका बाबू चलिए हमको पूरे क्षेत्र में घुमाइए, जहां जहां नहीं गए हैं, जनता से बिना मांगे वोट मिला है, हम उस वोट का शुक्रिया अदा करें, उनको धन्यवाद दें, उनसे मिलें और उनकी दुख सुख को समझ कर बूझ कर उनके हर दुख में हम साथ आवें, यही मेरा कर्तव्य बनता है। यही अपना विचार लेकर के आप लोगों के शरण में, आप लोगों के द्वार पर आया हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का हमसे कोई कष्ट निदान होने लायक है तो मैं आपके साथ हूँ तन मन और धन से। और आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं सांसद हूँ, आप हर वक्त समझिएगा कि मेरा छोटा भाई है, अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो समझिए मेरा बच्चा है, माता है तो समझिए मेरा बेटा है। आप इस आशा लेकर के मुझे आदेश दिया कीजिए, मैं आपके आदेश पर हर संभव खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बहुत ना कुछ कहते अपने बात अपने बौनी को ही विराम देता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। 1858 में बने अंग्रेज काल का पीरपैंती स्टेशन के पास स्थित उल्टा पुल संख्या नंबर 91 महज 94 मिली सेकेंड में ध्वस्त हो जाएगा। ये बातें शैल उत्खनन अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एएसआई ओसी सोमलियोन ने धनबाद से पुल ध्वस्त करने की तैयारी का जायजा लेने यहां पहुंचने पर कही। देख सकते हैं पुल को उड़ाने में मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और कंट्रोल ब्लास्टिंग का प्रयोग कर इस पुल को उड़ाया जाएगा। ज्ञात हो कि बिजलीकरण के कारण जो है इस पुल की लंबाई के कारण से ध्वस्त किया जा रहा है, इसके जगह पे नया पुल जल्द ही बनाया जाएगा। इस क्रम में देख सकते हैं यहां पर बिजली की लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट भी किया जा रहा है ताकि लोगों को एक तरीके से निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति जारी रहे, लोगों को कहीं भी कोई तरह की समस्याएं ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि आ रही है पीरपैंती के ब्रह्मचारी से। देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से यहां पर एक तरीके से आध्यात्मिक संदेश लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है संतमत सत्संग की तरफ से, और रोज सुबह जो है इसमें ध्यानाकर्षण को लेकर जो है तमाम तरह की बातें भी बताई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस अवसर पे संतमत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज का आगमन है, और इसी देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरों में किस तरीके से गांव के लोग काफी खुश हैं, और यहां पे तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से संतमत सत्संग को लेकर जो आयोजक है समस्त सत्संग समिति ब्रह्मचारी लगमा की वो लगातार मेहनत कर रही थी और आज काफी बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुटे। सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग काफी दूर दूर से उनको सुनने के लिए आए हुए थे, उन्होंने अपनी दिव्य वाणी से लोगों के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। लगातार जो है हम ये तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, भागलपुर और गोड्डा जिले की जितनी भी खबरें होती है उसको हम समेटने का प्रयास करते हैं, जितना संभव हो सकता है वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। ये बड़ी अपडेट है, ये आप देख सकते हैं। आइए यहां पर हमने बातचीत की अभिनंदन यादव से और डॉक्टर दीपक से। संतमत सत्संग को लेकर जो है ये रिपोर्ट ब्रह्मचारी से है, और हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दीपक मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों में जनहित के कार्यों को लेकर अपनी एक भूमिका रखते हैं। डॉक्टर दीपक, आज आप पटना से आए हैं, कैसा लग रहा है, और सत्संग जो है उसको सुनने से किस तरीके से व्यक्ति का आध्यात्मिक और उसके चरित्र का विकास होता है? यहाँ तो हम आए पटना से, तभी बहुत अच्छा लग रहा है, और सत्संग सुनने से जो आदमी का जो है कि जो भी सुनते हैं जो गलत रास्ता जो गलत सोच है उससे जो है आदमी का जो है सही रास्ता जो है कैसे चूज करे उसमें जो है बहुत चीज़ बताए जाते हैं गुरुजी के द्वारा, तो उससे जो है बहुत मन का जो है शुद्धि भी होता है उससे और विकास भी होता है कि जो गलत रास्ते पर भटक रहे हैं आज बहुत
समाज जो है गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, उससे जो है शुद्धि एक तरह से होता है, विकास भी होता है इससे। चलिए बहुत शुक्रिया, अभिनंदन यादव जी भी हैं। अभिनंदन यादव जी फटाफट मुझे बता दीजिए कि सत्संग सुनने से किस तरीके से लोगों के अंतर आत्मा में सद्गुणों की एक तरीके से धारा प्रवाहित होती है और उसका चारित्रिक विकास किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो हम अपने ऑल टाइम पब्लिक के जो भी जनता है उनको प्रणाम करेंगे। और आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, डॉक्टर दीपक जी पटना से चल के हमारे बीच आए हैं सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए। हम और सबसे बड़ी बात है, जनता को ये बता देना चाहेंगे कि हमारे आने वाला इलेक्शन का भावी MLA भी हैं, ये हम लोग मान चुके हैं, इनके साथ हैं, ताकि जनता जाने पहचाने। और रही आपने पूछा कि सत्संग के बारे में, सत्संग सुनने से पहली बात तो हृदय का जो बहाव होता है इसमें बदलाव आ जाता है, एक संस्कार अलग ही हो जाता है। जब सत्संग का प्रभाव अपने दिल में जाता है तो एक दिशा बदल जाता है, माहौल बन जाता, आनंद सा आता है। तो अभी जो हम लोग के वर्ग के जो भी हम लोग का सेशन के लड़के हैं, हम लोग का रीजन का, तो बहुत बुरे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर सत्संग पे हम लोग ध्यान दिया जाए, अगर गौर से सुना जाए, इस महत्व को समझा जाए, तो बहुत बड़ा हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीरपैंती प्रखंड में राजद के अध्यक्ष पीरपैंती के रंजीत शाह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन CAA, NRC और NPR के विरोध में दिया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राजद के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पर एक दिवसीय धरना पीरपैंती ब्लॉक परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। चुनाव नजदीक है और देखना है कि क्या राजद को इसको राजनीतिक फायदा भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए शुक्रिया, अगले दिन किसी और न्यूज